रोक के बावजूद धड़ल्ले से नायलॉन मांजा की बड़े पैमाने पर बिक्री हुई है, जिसके चलते इसे नायलॉन मांजा ने किया कई लोगों को लहूलुहान। आइए डालते एक नजर। बुधवार को मकर संक्रांति के अवसर पर शहर भर में सुबह से ही छतों पर पतंग उड़ाने वालों का जमावड़ा लग गया। बड़ी संख्या में लोगों ने पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन मांजे का उपयोग किया है, जिसके चलते अनेक लोग चोटिल हुए। किसी की जीभ और होंठ कटे तो किसी की उंगली और अंगूठा। इसके अलावा कुछ पतंग उड़ाते समय गिर पड़े तो कुछ पतंग को पकड़ते समय घायल हो गए। पतंग के जुनून में बुधवार को कई लोगों और परिवारों को अस्पताल जाना पड़ा है। मेयो मेडिकल के अलावा निजी अस्पताल में उपचार के लिए लोग पहुंचे हैं। आज नागपुर शहर में जिस प्रकार से घटना जो घट रही है उसमें और एक इजाफा हुआ है। हम बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे पूरे भारतवर्ष में बड़े पतंगी का जो त्यौहार है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसी भी घटना हुई कि जो पतंग के साथ में जो मांझा रहता है नायलॉन का रहता है, चीन से आया हुआ जो मांझा रहता है, एक रस्सी जो पतली होती है उससे कई पक्षियों की गर्दनें टूट चुकी है, कई लोग घायल हो चुके, लहूलुहान हो चुके। इस समय में ठीक ऐसे एक व्यक्ति हमारे साथ में इस समय मौजूद है, आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये वाक्या कैसे हुआ। सर बताइए कि पूरी घटना कैसी हुई, कहां से आप आ रहे थे, क्या हुआ? सर मैं डिघोरी जा रहा था तो हाईवे पे अचानक मांजा दिखता नहीं है, वो तो अचानक वो लपेट गया, तो मैंने हाथ से ऐसी दूर किया उसको, नहीं तो मेरी गर्दन कटने वाली थी आज, और मेरी उंगली तो आधी रह गई है। तो ये सब नायलॉन पे जो बंदी आई है तो ये कोई बंदी आई नहीं है, 90% नायलॉन यूज हुआ है इस संक्रांत में, इसके तरफ ख्याल देना चाहिए सब, और इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है कि इस समय में मतलब जो नायलॉन का जो मांजा है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है, ऐसी बात कही जाती, लेकिन सही मायने में देखा जाए क्या नायलॉन का मांजा बंद हुआ है? अगर बंद हुआ रहता तो इस तरह की शहर में ये जो घटनाएं जो घट रही इसकी जो संख्या बढ़ी है ये नहीं बढ़ी होती और ऐसी घटना भी नहीं हो रही थी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि नायलॉन का मांजा धड़ल्ले से शुरू है, इसकी कोई रोकथाम नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन जो बातें कर रही है वो ढाक के तीन पाँच जैसा उनका कार्य दिख रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।